दो थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके अनुसार रेडिएशंस लाइट जो थी, रेडिएशंस आर ओ, रेडिएशंस आर ओ वेव करेक्टर, वो वेव करेक्टर की थी। कौन सी थ्योरी थी ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, उसने कहा एनर्जी या रेडिएशन, एनर्जी और रेडिएशन इज ओ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल करेक्टर। बोलिए वेट करो एक बार, अब देखो भाई अब दिखाई दे रहा है उसमें तो। अरे बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, दो थ्योरी थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसने कहा रेडिएशंस जो है, जो एनर्जी है, जो सनलाइट से जो एनर्जी निकलती है, जो किसी सोर्स से एनर्जी निकलती है, वो वेव करेक्टर की है। दूसरी थ्योरी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, उसने कहा जो एनर्जी या रेडिएशंस है उनका पार्टिकल करेक्टर है। अब दो अलग अलग थ्योरी हो गई, ये दो थ्योरीज को इकट्ठा किया गया और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन दिया गया। ड्यूल नेचर ऑफ क्या हुआ? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, अच्छा दिख रहा है बोर्ड ना, बोर्ड अब सही दिख रहा है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस की थ्योरी दी गई बोर्ड को, मैं भी देख पा रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है बोर्ड, अब बिल्कुल साफ दिख पा रहा है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात की गई, तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट आया, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आया, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात आई। साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी वो थ्योरी कहती है कि रेडिएशंस जो रेडिएशंस हैं वो वेव वेक्टर के हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि रेडिएशंस जो है वो पार्टिकल वेक्टर के हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पोस्टुलेट था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी उसका पोस्टुलेट था E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये आपके पास था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। आइंस्टीन के अंदर, आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट था आइंस्टीन, उसने अपना रिलेशन और दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, साइंटिस्ट था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दो पोस्टुलेट्स को, दोनों एनर्जी को रिलेट कर रहे थे, दोनों के दोनों पोस्टुलेट एनर्जी को रिलेट कर रहे थे। तो डी ब्रोगली ने कहा कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, कि रेडिएशंस जो है पार्टिकल्स, रेडिएशंस और पार्टिकल्स दोनों के बारे में उसने कहा, उसने कहा कि जो रेडिएशंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका ड्यूल नेचर होता है, उनके साथ दोनों करेक्टर एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ वेव करेक्टर भी एसोसिएटेड होता है और उनके साथ पार्टिकल करेक्टर भी एसोसिएटेड होता है। और इस बात को समझाने के लिए उसने अपना एक रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन उसने यहाँ से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से उठाया था। आइंस्टीन ने रिलेशन दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को, क्योंकि दोनों के अंदर ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों के अंदर एनर्जी का रिलेशन था, तो दोनों को मिल सकता था एच सी अपॉन लैम्डा फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से एच सी अपॉन लैम्डा डेल इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, एच अपॉन लैम्डा डेट इज इक्वल टू एम इंटू सी, सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की गई तो यदि रेडिएशन थी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यदि कोई पार्टिकल होगा तो इस सी की जगह हम v भी लिख सकते हैं, इस c की जगह हम v भी लिख सकते हैं। तो आपके पास डी ब्रोगली जो कैरेक्टर था जिसने ये कह दिया कि जो भी रेडिएशंस हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका ड्यूल नेचर होता है, वो कभी वो दोनों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ दोनों कैरेक्टर एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड होता है और उनके साथ पार्टिकल कैरेक्टर भी एसोसिएटेड होता है, और रिलेशन दिया एच अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी, लिख लेता हूँ मैं जनरल, सी की जगह या पार्टिकल मानते हुए वी लिख लिया भाई, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, पी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मोमेंटम
मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो ये आपके पास h अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू p, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया ड्यूल नेचर से, ड्यूल नेचर का रिलेशन आ गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये लैम्डा जो थी इस लैम्डा वेवलेंथ थी इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ का p जो था वो मोमेंटम था, p आपके पास लीनियर मोमेंटम था, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का कांसेप्ट आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p लीनियर मोमेंटम था, ये आपके पास जो था p लीनियर मोमेंटम, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब बच्चों देखो समझने की चीज यहीं से आती, जो ड्यूल कांसेप्ट था डी ब्रोगली कांसेप्ट था, उस डी ब्रोगली कांसेप्ट का भाई आराम से नहीं सारे, डी ब्रोगली कांसेप्ट का जो है हमारे पास रिलेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर आ गया, जब लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर आ गया तो लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर आया है तो हम ये कह सकते थे कि लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर आ गया, यदि लैम्डा आपके पास एच अपॉन पी के बराबर आ गया है तो यहां से देखो बच्चों डी ब्रोगली का रिजल्ट निकल क्या रहा है, डी ब्रोगली रिजल्ट निकल क्या रहा है, लैम्डा जो होता है वो वेव करैक्टर को बताता है, वेव करैक्टर को बताता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है, लीनियर मोमेंटम बताता है पार्टिकल नेचर को, और वेव ये लैम्डा जो है वो वेव करैक्टर को बताता है। अब एक बच्चा कहता है सर आप ये कह रहे हो कि डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि हर एक चीज के साथ हर कोई पार्टिकल हो कोई लाइट हो उसके साथ ड्यूल करैक्टर होता है, जब ड्यूल करैक्टर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ वेव भी होती है उसके साथ पार्टिकल होती है, सर यदि हम इस पैन को यदि फेंकते हैं तो मूविंग पैन जो है उसके साथ हमें पैन का नेचर पैन पर नजर आता है पार्टिकल नेचर नजर आता है, हमें कभी भी नजर नहीं आती ये बात कि आपने पैन को फेंका ये पैन था पैन को फेंका तो इसके पीछे पीछे वेव चल रही हो, ऐसी बात नजर नहीं आती कभी भी सर हमें ये नजर नहीं आती। एक क्रिकेट के अंदर एक बॉलर एक बॉल फेंकता है तो हमें कभी नहीं लगता कि बॉल आगे आगे और पीछे पीछे वेव चल रही हो, ऐसा बात नहीं नजर आती। तो सर इस चीज का क्या मतलब है, ये रिलेशन यहां से आ गया इस बात का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा बताता है वेव करैक्टर को, पी बताता है पार्टिकल नेचर को, तो लैम्डा एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी जिसका पार्टिकल नेचर बहुत ध्यान से देखें जिसका पार्टिकल नेचर बढ़ेगा जिसमें आपको पार्टिकल नेचर दिखाई देगा उसमें वेव करैक्टर डर जाएगा, इसलिए क्रिकेट की जो बाल है जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजों के अंदर आपको केवल पार्टिकल नेचर नजर आता है क्योंकि पार्टिकल नेचर नजर आता है क्योंकि उनका वेव करैक्टर बहुत छोटा होता है जो कि विजिबल नहीं होता जो दिखाई नहीं देता। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है इन पार्टिकल्स के लिए जो है वेव करैक्टर बड़ा होता है वेव करैक्टर बड़ा होता है यहाँ पर पार्टिकल नेचर बहुत छोटा होता है। तो डी ब्रोगली ने बात प्रूव कर दी डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि वेव करैक्टर के अंदर और पार्टिकल नेचर के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है हर पार्टिकल के साथ हर रेडिएशन के साथ दोनों नेचर एसोसिएटेड होते हैं वेव करैक्टर भी एसोसिएटेड होता है और पार्टिकल नेचर भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है दोनों के दोनों नेचर उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ये बात हम उसने प्रूव कर दी। अब आगे चले इसी चीज को लेकर हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन आ गया डी ब्रोगली का रिलेशन हमारे पास आ गया है हमें उस रिलेशन को दिमाग में रखना है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन हम पढ़ रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन नेचर ऑफ रेडिएशन और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो था वो डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था उसने डिस्कस किया डी ब्रोगली ने डिस्कस किया उस डी ब्रोगली का पोस्टलेट था कि एवरी रेडिएशन एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद बोथ वेव करैक्टर एज वेल एज पार्टिकल करैक्टर तो उसने रिलेशन दे दिया
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी जो है एच अपॉन पी, ये रिलेशन आ गया। मास इनटू वेलोसिटी, ये पी जो है ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, और जो लीनियर मोमेंटम है वो आपके साथ डिस्कस करता है किसको, पार्टिकल नेचर। लीनियर मोमेंटम पार्टिकल नेचर को बताता है, लैम्डा बताता है किसको, वेव करेक्टर को, वेव करेक्टर, ये आपके पास वेव करेक्टर बताता है। अब यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो इसी को मैं लेके और आगे चलूं, तो मैं कहता हूं लेट लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज ई के, ई के कोई पार्टिकल है, मास एम है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई के है आपके पास, क्या है, ई के। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई के, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक जो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी के क्या होगी, आप एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2EK, इस 2 पे डाल दिया 2EK, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। मैं इसको यूं लिखता हूं 2EK मास से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, और मास से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैं इसको ये लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, स्क्वायर रूट एम वी, एम वी दैट इज इक्वल टू 2EKM, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि यहां पर हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो क्या हुआ आपके पास, mv मास इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहां से स्क्वायर आ गया mv, ये इसका स्क्वायर रूट लिया तो 2EKM सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, mv किस तरह है pk, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इसको मैं 1 कह देता हूं, हमने इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दी, पुट 2 इन 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv की जगह क्या पुट कर देंगे, रूट 2EKM। ये आपके पास रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि वेवलेंथ में, डी ब्रोगली वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये बात आपके पास रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन भी निकल के आ गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपके पास आ गया है, आपके पास ये रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में, ये आपके पास रिलेशन आ चुका है यार, बीच बीच में बहुत ज्वाइन होते हैं अजी। दिखाई दे रहा है भाई, रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है ठीक है ठीक है, रिलेशन आपके पास आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2EKM, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में और इसके अंदर क्या रिलेशन है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन निकल के आ गया है। आगे देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3, मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा और आगे लेके चले इसी चीज को, भाई आवाज मत करो, आवाज नहीं करे कोई भी, रिलेशन आपके पास आ गया कि लैम्डा वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2EKM, m मास ऑफ द पार्टिकल, मास है पार्टिकल का, ek काइनेटिक एनर्जी है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है,
अब हम आगे बढ़े इसी को लेट थर्ड पार्ट लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यों इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ओ वी। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर क्यों चार्ज है और उस क्यों चार्ज के पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया यानी गति दी गई है इसके द्वारा एक पोटेंशियल डिफरेंस वी के द्वारा गति दी गई है तो उस केस में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो बराबर होती है आप एम वी स्क्वायर वो बराबर होगी क्यों इंटू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये भी फॉर्मूला होता है ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है चार्ज इंटू पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है। इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी लिख सकते हो ये बात आप एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी यदि आपने ये बात लिख दी कि एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी तो आप इसको यूं कह सकते हो इसको आप पी बना वी बनाना चाहते हो क्या बनाना चाहते हो वेलोसिटी वी स्क्वायर है क्योंकि रिलेशन अल्टीमेटली ये है यहाँ पे लेके आनी बात को लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आप इस बात को लेके आना चाहते हो तो मैं क्या करूँ मैं दोनों तरफ इसको एम से मल्टीप्लाई कर लूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी एम दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास स्क्वायर रूट लिया टेकिंग स्क्वायर रूट यदि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास क्या आ गया ये आ गया एम वी डेट इज इक्वल टू टू क्यू वी एम सारे का रूट। अब यदि ये बात बच्चों आ गई तो मैं यदि इस चीज़ को यहाँ पर पुट करता हूँ इस चीज़ को उठाकर कि लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी की जगह मैं पुट कर दूँ टू क्यू वी एम सारे का स्क्वायर रूट ये आपके पास थर्ड रिलेशन आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ में और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस में के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ गया इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहाँ पर सारी क्योंकि हमें पता है मैं इस पार्टिकल को जो पार्टिकल लिया मैंने मास एम का उस पार्टिकल को मैं ये मान लूं लेट द पार्टिकल बी इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं मैं उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन मानूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड और आपके पास क्यों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यों 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 प्लांक। यदि मैं ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ तो आपके पास यदि सारी वैल्यू पुट करें तो लैम्ब्रा की वैल्यू आपके पास आती है 12.27 लैम्ब्रा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी पोटेंशियल डिफरेंस और यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद हुआ आपको याद रखना है ये सारा सोल्व करने के बाद मास की वैल्यू ये पुट कर दो एच की वैल्यू ये पुट कर दो क्यू की वैल्यू ये पुट कर दो जब सारा सोल्व करते हो तो लैम्ब्रा आपके पास आता है लैम्ब्रा डेट इज इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी क्या है ध्यान रखना वी इज पोटेंशियल डिफरेंस वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये आपके पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था वेवलेंथ का जिसमें आपने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में आपने देखा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने देखा कि हर पार्टिकल के साथ हर रेडिएशन के साथ दोनों करैक्टर एसोसिएटेड हैं रिलेशन उनके अंदर इनवर्स रिलेशन है जिसका वेव करैक्टर बढ़ता है उसका पार्टिकल करैक्टर घट जाता है जिसका पार्टिकल करैक्टर बढ़ता है उसका वेव करैक्टर घट जाता है। रिलेशन क्या क्या निकालते हैं तो तीन रिलेशन हमने निकाल दिए
तीन रिलेशन हमारे पास आ गए। फर्स्ट रिलेशन जो हमारे पास आया वो रिलेशन हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन था दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सेकंड रिलेशन लैम्डा वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 ई के एम स्क्वायर रूट। और थर्ड रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्ट्रोंग। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस में वेलोसिटी के अंदर और लैम्डा के अंदर रिलेशन, वेलोसिटी के अंदर लैम्डा के अंदर और मोमेंटम के अंदर रिलेशन, वेवलेंथ के अंदर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेशन, वेवलेंथ के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन। अब जो तीन रिजल्ट हमने निकाले इन तीन रिजल्ट से हम कुछ एक बातें बताना चाहते हैं आपको। ये तीन रिजल्ट जो निकल के आए इससे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर आपके पास ये है कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लाइटर इज द पार्टिकल एम का इनवर्स रिलेशन है तो लाइटर इज द पार्टिकल, लाइटर इज द पार्टिकल, इज द पार्टिकल ग्रेटर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा उसके साथ जितना हल्का पार्टिकल होगा लाइटर इज द पार्टिकल, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही उसके साथ ज्यादा बड़ी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी क्योंकि रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फर्स्ट ई के काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा को मैं इनवर्सली कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के स्केयर रूट की, इनवर्सली जितनी तेज होगी उतना छोटा होगा। फास्टर द पार्टिकल मूव्स, फास्टर द पार्टिकल मूव्स मूव स्मॉलर इज द, स्मॉलर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में यही बातें पूछेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस तरह की चीज बना के पूछेगा। तो सेकंड पोस्टलेट हमने जो रिजल्ट निकाला वो पढ़ा फास्टर द पार्टिकल मूव स्मॉलर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, जितना पार्टिकल मूव करेगा उतनी ही छोटी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। और थर्ड में के अंदर हम ये कह सकते हैं कि नेचर कोई नेचर से इंडिपेंडेंट है, नेचर का कोई जिक्र नहीं है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। ये बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि चार्ज वाला फैक्टर की पॉजिटिव पार्टिकल है नेगेटिव पार्टिकल है ये बात कहीं निकल के नहीं आई क्योंकि रिलेशन जो आ गया वो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इस बात के ऊपर बिल्कुल रिलेशन डिपेंड नहीं करता। और जब इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो फोर्थ कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो निकाला कि डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हैव नो सिग्निफिकेंस, हैव नो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इन आवर, इन आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ, डे टू डे जो लाइफ है जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस नहीं है। क्रिकेट की बात के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं दिखाई देती, पेन के साथ नहीं दिखाई देती क्योंकि उनके साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल और केवल डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हैव नो सिग्निफिकेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल ओनली फॉर, ओनली फॉर सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही अप्लीकेबल है, डे टू डे लाइफ में डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यदि नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस नहीं है डे टू लाइफ डेली में, यदि आप इसको देखें तो इससे आगे देखें आप एक बार, दिखाई दे रहा सभी को? Yes, चलो बोलिए।
बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। क्यों अभी बचा हुआ है 2-4 मिनट का टाइम, पहले मैं उसको यूज करता हूँ फिर बात करेंगे, ठीक है। आगे देखें बच्चों, इससे आगे देखें यदि आप, तो आपके पास आता है ड्यूल नेचर ऑफ रिलेशंस की बात की, डिब्रोली कॉन्सेप्ट की बात की, इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कैलकुलेट कैलकुलेट डी ब्रोगली ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए 100 वोल्ट 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। यदि आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको अभी अभी बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है इसमें, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन। के लिए अभी बताया था कि लैम्डा डेट इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या आएगी एंगस्ट्रॉम, कर दो 12.27, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 100 का रूट 10 दैट इज इक्वल टू बोलो भाई 1.227 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आंसर यदि मीटरोग्राम में रखा हो तो रिलेशन आपको आता ही होगा, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। यदि ये आपको पूछा गया है तो मीटर में निकालना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, सेंटीमीटर में निकालना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम 10^-8 सेंटीमीटर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यदि करें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी और दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है, चलो टू पार्टिकल्स ए एंड बी, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन if the wavelength associated with particle a is 5×10^-8 meter, calculate the wavelength associated with Particle B, if its momentum is half of a, momentum half of a, यदि ये बात है तो जो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था, lambda is equal to h upon p, दोनों ये लगा दो, lambda a that is equal to H A H upon P A, equation number 1, lambda B that is equal to H upon P B, equation number 2, condition क्या दे रखी है, calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A, तो P B जो है वो P A upon 2 है, 2 है, यानि 2 P B जो है वो P A के बराबर है, ये रिलेशन ये पूछ रहा है, सेकंड को डिवाइड कर दो या वन को डिवाइड कर दो टू से, वन को डिवाइड कर दिया टू से तो आपके पास लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू एच पी ए दैट इज इक्वल टू एच पी ए इनटू पी बी अपॉन एच से एच कैंसिल,
पीए जो है वो 2pb के बराबर है, तो pb को तो pb रहने दिया, pa के जगह 2pb पुट कर लिया, 2pb pb से pb कैंसिल, लैम्डा a अपॉन लैम्डा b दैट इज इक्वल टू 1/2 तो लैम्डा a दे रखे, लैम्डा b निकालना है, तो लैम्डा b दैट इज इक्वल टू 2 into लैम्डा, लैम्डा a की वैल्यू आपको दे रखी है, टू पार्टिकल्स a एंड b आर इन मोशन इन द वेवलेंथ एसोसिएटेड पार्टिकल a इज दिस, तो इसका क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई। ये बच्चों डी ब्रॉग्ली कांसेप्ट था, दिखाई दे रहा भाई?